दोस्तों आज के वीडियो में जो है बात करने वाले हैं पूरे आठों टीम्स की, यानी कि आठों टीम्स को क्या क्या करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, किस टीम को हारना पड़ेगा और किस टीम को जो है जीतना पड़ेगा। अगर आप सबकी फेवरेट टीम क्वालिफाई नहीं कर पा रही है और आप सभी को जानना है कि वो कैसे क्वालिफाई करेगी, तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को बड़े आसानी के साथ में समझा दूंगा। तो आपको जो है करना क्या है, बस एक लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अगर आप सभी को क्रिकेट की बातचीत करना पसंद है तो सब्सक्राइब भी याद से कर देना है। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से जो है कुछ बात करने को ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये जो टीम है ऑलरेडी 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर चुकी है। मतलब कि मोर और लेस चेन्नई की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, ये जो है उन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली कैसे क्वालिफाई कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दिल्ली ने कुल 11 मैच खेले हैं, उनके जो है 11 में से 14 पॉइंट है और दिल्ली की टीम जो है बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है। दिल्ली के जो है 3 में से 2 मुकाबले होने वाले हैं आरसीबी के साथ में और दूसरा होने वाला है राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ में, जो कि फिलहाल दोनों टीम्स बॉटम पे बनी हुई है। तो ऐसे में जो है दिल्ली के पास काफ़ी अच्छा चांस है ये साल कि प्लेऑफ में जो है ये दोनों टीम्स को हरा के बड़े आसानी के साथ में दिल्ली की टीम क्वालिफाई कर सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। तो जो मुंबई की टीम है उन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं और 10 मैच में जो है मुंबई के पास कुल 12 पॉइंट है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुंबई के लिए ये है, मुंबई के जो 4 मैच है, 2 मैच है केकेआर के साथ में, 1 मैच है चेन्नई के साथ में और 1 मैच है एसआरएच के सामने, जहाँ पर जो है हैदराबाद के लिए जॉनी ब्रेस्टो नहीं खेलने वाले है। तो ये जो है मुंबई के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऊपर से जो मुंबई का रिकॉर्ड है केकेआर के सामने बहुत ही अव्वल दर्जे का रिकॉर्ड है, तो यहाँ जो है मुंबई के लिए बहुत अच्छा चांस है ये साल जो है मुंबई की टीम बड़े आसानी के साथ में क्वालिफाई कर सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। तो यहाँ पे जो हैदराबाद के लिए झटका ये है कि जो उनके ओपनर थे जॉनी ब्रेस्टो, वो दोस्तों अपने देश वापस लौट चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हैदराबाद के पास अभी कुल 4 मुकाबले बचे हैं और 4 में से अगर हैदराबाद की टीम 2 मुकाबले जीतती है तब जो है हैदराबाद की टीम क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो उनका नेट रन रेट है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर मान लीजिए हैदराबाद की टीम 4 में से 3 मुकाबले हार जाती है तब जो है हैदराबाद की टीम आईपीएल से बाहर हो जाएगी, लेकिन अगर वो सिर्फ 2 मुकाबले भी जीतती है तब जो है हैदराबाद के चांस बहुत ज़्यादा है क्वालिफाई करने के। उनका जो रन रेट है काफ़ी अच्छा चल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की टीम कैसे क्वालिफाई कर सकती है। यहाँ पर जो है पंजाब की टीम के पास कुल 3 मुकाबले बचे हैं और 3 में से जो मुकाबले हैं, एक मुकाबला है चेन्नई के साथ, एक मुकाबला है हैदराबाद के साथ और एक मुकाबला है केकेआर के साथ, यानी कि पंजाब की जो राह है बिल्कुल भी आसान है नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जो तीनों टीम्स है चेन्नई हैदराबाद और केकेआर काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में जो है पंजाब की टीम को ये 3 में से किसी 2 को हराना पड़ेगा तब जो है पंजाब के लिए क्वालिफाई के चांसेस है, नहीं तो फिर पंजाब की राह थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं केकेआर की टीम की। तो दोस्तों इनके लिए जो है सिंपल सा फंडा है, इनके पास कुल 3 मुकाबले बचे हैं और 3 में से जो है केकेआर की टीम को तीनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे, वो भी अच्छे नेट रन के साथ में, तब जो है केकेआर की टीम क्वालिफाई करेगी, नहीं तो फिर केकेआर के लिए बहुत ही कम चांसेस है। अगर केकेआर की टीम यहाँ से एक भी मुकाबला हारती है तब जो है वो ऑफिशियली आईपीएल से बाहर हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आरसीबी की टीम कैसे क्वालिफाई करेगी। सबसे पहला आरसीबी को ये चाहना है कि वो जो है अपने तीनों मुकाबले जीते, उसके बाद जो है आरसीबी को चाहना है कि सीएसके, मुंबई और दिल्ली ये तीनों टीम्स से अपने बाकी के मुकाबले जीते और जो नीचे की टीम्स हैं उनको हराए, ताकि जो आरसीबी को फ़ायदा है वो ऑटोमेटिकली होए। ऐसे में जो है आरसीबी को तीनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे। अब दोस्तों एट दी एंड बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो दोस्तों इनके लिए भी जो है बिल्कुल सेम सिनेरियो है, इनको भी जो है अपने बाकी के तीनों मुकाबले जीतने हैं, वो भी अच्छे नेट रन के साथ में, और चाहना है कि मुंबई, दिल्ली और सीएसके अपने मुकाबले जीते, ताकि जो आरआर की टीम है उनको फ़ायदा होए और वो जो है नीचे से ऊपर आए, नहीं तो फिर इनकी भी राह काफ़ी मुश्किल दिखाई देती है। तो दोस्तों ये थे सभी आठों टीम्स के सिनेरियो, उनको क्या क्या करना पड़ेगा ताकि वो क्वालिफाई कर पाए, मैंने आप सभी को बता दिया। इस वीडियो में इतना ही, आगे जो है वीडियोस आती रहेगी, बस आप एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।